हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं एक जबरदस्त मोबाइल ट्रिक के बारे में। दोस्तों, हम सभी के साथ कभी ना कभी ऐसा वाकया होता ही होगा कि जब भी आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे समय में दोस्तों अगर कोई आपका मोबाइल फोन मांग ले कि बोले भाई मुझे 2 मिनट के लिए मोबाइल फोन मिल सकता है कि मैं फेसबुक या फिर व्हाट्सअप या फिर किसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर लूं, तो आप जरूर दोस्तों देने में हिचकिचाएंगे, क्योंकि मोबाइल फोन एक प्राइवेट चीज होती है। इसमें दोस्तों बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल चीजें स्टोर होती है। कभी कभी दोस्तों हम अपने मोबाइल फोन को दे तो देते हैं अपने दोस्तों, लेकिन एक डर लगा होता है कि उस एप्लीकेशन के अलावा कहीं वो और ना चला जाए। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप आसानी से इस चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस ट्रिक का इस्तेमाल करने के बाद आपके फैमिली मेंबर या फिर आपका दोस्त या फिर कोई भी पर्सन अगर आपको मोबाइल फोन मांगता है तो आप बेझिझक ये मोबाइल फोन को दे सकते हैं। अगर इस ट्रिक को जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका मोबाइल फोन का स्क्रीन है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन के सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसे आप सेटिंग्स में जाते हैं तो सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि हर फोन में दोस्तों अलग अलग ऑप्शंस अलग अलग जगह पे हैं, सेटिंग्स में है, कहीं एडवांस में है। तो इससे दोस्तों हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सिंपल यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हर मोबाइल फोन के सेटिंग्स के ऊपर एक सर्च का ऑप्शन होता है। तो आपको जस्ट सिंपली वहां पे एक वर्ड को सर्च करना है। उस वर्ड का नाम है दोस्तों पिनिंग। जैसे ही दोस्तों आप पिनिंग सर्च करेंगे वहां पे आपको स्क्रीन पिनिंग नाम का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको दोस्तों इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे दोस्तों ऑन करने के लिए दो ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो आपको मैं बता दूं कि आपको इन दोनों को ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद दोस्तों आपको वहां पे मेन स्क्रीन पे चले आना है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप यहां पे टैप पे क्लिक करेंगे, टैप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे बहुत सारे एप्लीकेशन ऑन है, जैसे फेसबुक हो गया, क्रिकेट बज हो गया, व्हाट्सअप हो गया, यूट्यूब हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे एप्लीकेशन यहां पे ऑन है। इस समय में दोस्तों अगर आपका दोस्त आपके पास आता है और अगर वो कहता है कि भाई मुझे YouTube पे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है तेरे मोबाइल पे, आपको दोस्तों YouTube ओपन करना है। वहाँ पे दोस्तों कॉर्नर पे 3 लाइनें दिखेंगी, आपको दोस्तों उस 3 लाइन पे क्लिक करना है। वहाँ पे दोस्तों नीचे बॉटम पे आपको एक फिक्स्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप दोस्तों इस लास्ट वाले फिक्स्ड को ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। तो जैसे ही दोस्तों आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं आपको एक मैसेज लिखा हुआ आ रहा है। इस मैसेज में देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है कि फोन इज रिस्ट्रिक्टली टू ओनली डिस्प्ले यूट्यूब। तो यूट्यूब के अलावा कुछ भी डिस्प्ले नहीं काम करेगा। और यूट्यूब पे जो हमको वीडियोस देखने हैं, जो सामने वाला पर्सन को देखना रहेगा वो उसमें देख सकता है, इसके अलावा वो कहीं पे भी जा नहीं पाएगा। तो जैसे दोस्तों आप इसे ओके करते हैं, ओके करने के बाद दोस्तों ये यूट्यूब चालू हो गया। चाहे आप स्क्रीन को ऑफ कर दें, चाहे कोई भी बटन क्यों ना दबा दें, ये दोस्तों बिल्कुल काम नहीं करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे आप कोई भी बटन दबा रहे, बैक का दबा रहे, कोई टैब दबा रहे, तो यहाँ पे क्लियरली लिख के आ रहा होगा कि ये काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप चीजों को दूसरे से सिक्योर कर सकते हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इसे अनलॉक कैसे किया जाए। तो दोस्तों अनलॉक का भी बहुत ही आसान सा तरीका है। आपको बस दोनों फिंगर से इन दोनों कॉर्नर के बटन्स को दबाना है। जैसे ही दोस्तों आप इन दोनों ऑप्शंस को दबाएंगे ऑटोमेटिकली स्क्रीन अनलॉक हो जाएगा। और जैसे ही स्क्रीन अनलॉक होता है तो ये आपका जो मेन लॉक स्क्रीन रहेगा उस पर चला जाएगा। तो बहुत ही आसान सा और बहुत ही सिंपल सा तरीका है, क्योंकि ऐसे मोबाइल फोन में बहुत सारे ट्रिक्स और ऑप्शंस छुपे हुए हैं जो कि आम जनता को भी नहीं पता कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? तो नेक्स्ट टाइम से अगर आपका मोबाइल फोन अगर कोई मांगता है तो इस ऑप्शन को ऑन करके अपने प्राइवेट चीजों को सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों जस्ट ये मोबाइल ट्रिक मैं आपके लिए लाया था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।